हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं वेलकम लाइव चैनल। तो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में घंटी को जरूर दबा दें और पाए हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन इसी तरह सबसे पहले। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने जो है कुछ पांच आपके कुछ सवाल जो है एडजस्टमेंट करके मैं उनके कुछ आंसर आपको देना चाहता हूँ। क्या कुछ सवाल है, किसने किए हैं और किस तरीके के हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कमेंट वो है घनश्याम अहिर जी का, ये बोलते हैं कि गाड़ी में मुर्गे का काम कितने दिन में होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुर्गा क्या होता है गाड़ी के अंदर। ये एक थोड़ा सा अजीब टॉपिक है क्योंकि इसके बारे में कोई किसी को ये भी नहीं पता होगा ज्यादातर तो, कि मुर्गा होता क्या है। तो भाई ने कमेंट किया तो इसका मैं जरूर आंसर दूंगा कि मुर्गा वो होता है कि जो पटे होते हैं उनके जो ऊपर मान लीजिए एक ये इस तरीके से पटा हुआ है और दोनों कुंदे जो गले हुए होते हैं जिनको हम बुश बोलते हैं, और उसके जो भी साइड में दो वाशर दिए होते हैं जब उसको लगाते हैं, और एक पिन होती है। जब ये पिन और ये जो बुश थोड़ा सा खराब हो जाता है, जब ज्यादा पिन निकलनी शुरू हो जाती है या फिर हलनी शुरू हो जाती है या फिर उसमें घिसावट आ जाती है, तो तब उसको बदला जाता है। तो मान लीजिए उसको अगर खराब हो जाए तो एक साल में हो जाए, अगर खराब नहीं हो तो उसको 7-8 साल भी लग जाते हैं बदलने में। तो मुर्गा इस तरीके का होता है और इस तरीके से इसको बदला जाता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे चंद्रभान यादव जी का, ट्रक चलाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। तो सबसे पहली बात, ट्रक चलाने के लिए अगर आप कोई भी गाड़ी चलाते हो उसके लिए सबसे पहले आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। और अब बात आती है कि हम किस तरह की गाड़ी चलाते हैं, तो वो कंपनी के ऊपर हमारे कुछ रूल होते हैं कि वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगती है। मान लीजिए कोई तेल की गाड़ी जैसे मैं चलाता हूँ तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में मुझे चाहिए, तो एक ट्रेनिंग कार्ड होता है और एक अपने जो भी ड्राइविंग लाइसेंस होता है, और तो मैं कुछ यूज नहीं करता, बस ये दोनों चीज होती है। ट्रेनिंग कार्ड वो कार्ड होता है जिससे हमें ये अनुभव होता है कि हमें एक ज्वलनशील पदार्थ कि गाड़ी चलाने का अनुभव था, अगर बाइक में कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाता है तो उसमें हम एक सबूत के तौर पर किसी को, गवर्नमेंट को या फिर किसी अधिकारी को उसको दिखा सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं और गाड़ी को भी सेफ रख सकते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आप रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इंजाम पथक जी का, ट्रक ड्राइवर बनना सही या गलत। इनका नाम भी थोड़ा कुछ अजीब है, इंजाम पाठक। तो ट्रक ड्राइवर बनना सही भी है और गलत भी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ड्राइवर बनते हो। एक अच्छे ड्राइवर बनते हो, ईमानदार ड्राइवर बनते हो या फिर एक बेकार ड्राइवर बनते हो। तो अगर आप एक सही तरीके से ड्राइवर बनोगे, दारू वगैरह ये सब चीजें नहीं पियोगे ज्यादा, थोड़ी बहुत पीने से तो आपका कोई दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि ये सब तो चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन ज्यादा अगर आप ड्रिंक वगैरह करोगे, ज्यादा कुछ ऐसे काम करोगे जिससे आपकी ड्राइविंग में कोई खतरा हो तो आप जान से आधे बैठोगे। तो ड्राइविंग करना सही है, दुनिया करती है, अगर ड्राइविंग नहीं करेंगे तो गाड़ियां खड़ी रहेंगी, मार को कौन बचाएगा, एक बंदा नहीं बचाएगा दूसरा बचाएगा, कोई ना कोई तो गाड़ी जरूर चलाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर सभी ये सोच लें कि हम गाड़ी नहीं चलाएंगे तो देश में कोई भी ड्राइवर नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जोबानजी सिंह का, ट्रक ड्राइवर हूँ और रोडवेज बस में भर्ती होना चाहता हूं तो किस प्रकार से हूं। तो रोडवेज भर्ती होने के लिए आप हो सकते हैं, आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए क्योंकि सभी फॉर्म जो है 10वीं से निकलते हैं, किसी कोई भी फॉर्म आपको 10वीं से नीचे नहीं मिलेगा, 10वीं से नीचे आपको कोई भी फॉर्म यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो 10वीं आपके पास होनी चाहिए और एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी। अगर आप एक ट्रक मान लीजिए बड़ी गाड़ी चलाते हैं या फिर आप रोडवेज में भर्ती होना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ट्रक ड्राइवर है तो आप एक बड़ी गाड़ी आराम से चलाओगे। थोड़ा बहुत आपको टेस्ट देने होंगे, वो टेस्ट में आप जैसे ही क्लियर होते हैं, रिटर्न टेस्ट या फिर ड्राइविंग टेस्ट या फिर मेडिकल टेस्ट, ये 2-3 तरह के टेस्ट होते हैं, तो वो आपको देने होंगे और आप नौकरी लग सकते हो। फॉर्म भरिए, आप डेफिनेटली लग जाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीष विश्वकर्मा जी का, ये हमारे बहुत पुराने व्यूअर्स हैं, बहुत ज्यादा हमारी वीडियो को ये इच्छा पूर्वक देखते हैं, बहुत से कमेंट हर वीडियो पे करते हैं, कोई भी वीडियो मेरे देखिए ये जरूर कमेंट करते हैं क्योंकि ये एक अच्छे ड्राइवर बन चुके हैं और आगे बन जाएंगे। तो इनका कहना है, इनका एक कमेंट है
बहुत दिन से नहीं, लेकिन ये कमेंट कई बार कर चुके, तो इनका मैं आज जो है आंसर दूंगा। लोबिन पीछे की लाइट, रंग बिरंगे लाइट, तो इनका लाइटों के प्रति अभी जो है कुछ सुधार नहीं हुआ है, तो इनको मैं आज क्लियर कर दूंगा हर चीज। देखिए, ट्रक के आगे की तरफ जो लाइट होती है उन्हें हेडलाइट बोलते हैं, चार भी होते हैं या फिर दो भी होती है तो उन्हें हेडलाइट बोलते हैं, जो आगे की तरफ जलती है। लो बीम जो एक मीडियम साइज, एक अप वो ज्यादा साइज में होती है, लो अप उसको बोलते हैं। और पीछे की साइड जो है दो तरह की लाइट होती है, वो होती है बैक बत्ती, जो बैक लाइट होती है हमारी, बैक लाइट बोलते हैं, लाल कलर की थोड़ी सी चौड़ी चौड़ी होती है, दो लाइट है आपको पीछे की तरफ मिलेगी, और साइड की तरफ आपको जो है इंडिकेटर मिलेंगे, लाल पीले हरे, ये इंडिकेटर होते हैं। पार्किंग लाइट भी इनको हम बोलते हैं, क्योंकि जब हम इनको फुल चसा लेते हैं, जब कोई भी हादसा वगैरह होता है तो इनको सबको जला के रखते हैं इन, तो जो भी गाड़ी आती है वो समझ जाती है कि यहाँ पे कुछ दुर्घटना हुई है या फिर यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई है, तो ये कुछ हमें इससे अंदाजा होता है। तो लाइटों का तो ज्यादा मैटर नहीं है, आप इनको जब गाड़ी चलाओगे तो आसानी से सीख जाओगे विश्वकर्मा जी। तो ये कुछ आपके कुछ क्वेश्चन थे, कुछ कमेंट थे, तो अगर आपको भी कुछ और क्वेश्चन मुझसे जानने हैं या फिर कुछ और बातें मुझसे डिस्कस करनी है, तो लिंक अपना दीजिए या फिर कमेंट नीचे वीडियो में जरूर कर दें कि हमें ये बातें जाननी है, और वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में जरूर बता देना। अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दे। तो चलो दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जरूर मिलेंगे। तो चलो दोस्तों, आज के लिए जय हिंद।